गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन मींस मानव का पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। ग्रहण करते समय भोजन को चबाना, पीसना, कूटना आदि क्रियाएं होती हैं और भोजन का पाचन करना तथा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने आदि क्रियाएं पाचन तंत्र के द्वारा होती हैं। पाचन तंत्र का अध्ययन करने के लिए इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ए है एलिमेंट्री केनाल और बी है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री केनाल मीन्स आहार नाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड मीन्स पाचक ग्रंथियां। इससे संबंधित दो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड और ये ट्रैक जो होता है ये होता है एलिमेंट्री केनाल, आहार नल। अब हम लोग इसमें से एक की स्टडी एक एक की स्टडी करेंगे। एलिमेंट्री केनाल ऑफ ह्यूमन। हमारी आहार नल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित रचना होती है। इसका व्यास अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। इसके मुख्य पार्ट निम्न हैं। फर्स्ट है माउथ एंड माउथ कैविटी, मुख योम, मुख गुहा। नेक्स्ट है फेरिंग्स, फेरिंग मीन्स ग्रसनी। एंड नेक्स्ट है इसोफेगस, इसोफेगस मीन्स क्रॉस नॉल या भोजन नली। नेक्स्ट है स्टमक मीन्स आमाशय। आमाशय के बाद मीन्स स्टमक के बाद आहार नाल या एलिमेंट्री केनाल का जो रेस्ट पार्ट होता है, पास्टेरियर पार्ट, वो इंटेस्टाइन कहलाता है। यह इंटेस्टाइन दो पार्ट में डिवाइड है, आगे के पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन और पीछे के पार्ट को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये दो पार्ट में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन और 6 है लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत। और इसके बाद है एनस, पास्टेरियर ओपनिंग को एनस कहते हैं इसको, और इंटीरियर ओपनिंग को माउथ कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये हैं डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। इस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हुए, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हुए, सीकम,
कोलन रेक्टम। अब हम लोग इसमें कौन सा पार्ट, ये पार्ट कहाँ पर है, इसकी स्टडी करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है देखिए आप, माउथ एंड माउथ कैविटी। ये है माउथ। माउथ के बारे में आपको कोई बहुत बड़ा डिटेल नहीं करना है, आपको पता है हमारे चेहरे पर, इसको बोलते हैं आप चेहरा, चेहरे पर एक ट्रांसवर्स स्लिट होती है जो दो मूवेबल लिप्स के द्वारा, ओंठ के द्वारा घिरी होती है। इस रचना को माउथ कहते हैं। माउथ के द्वारा हम बोलते हैं और भोजन करते हैं। माउथ कैविटी जिस कैविटी में खुलता है अंदर की तरफ, उसे कहते हैं ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, नेजल कैविटी जो नाक की कैविटी होती है, नाक ये नोज है हमारी ये, और इसके बीच में जो यहाँ से हवा जिस रास्ते से जाती है, इसे कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी और माउथ कैविटी के बीच में जो प्लेट होती है, इसे कहते हैं पैलेट। पैलेट आगे की तरफ बोन का बना होता है, इसमें बोन पाई जाती है और पीछे कार्टिलेज पाई जाती है। इसे आगे की तरफ कहते हैं हार्ड पैलेट और पीछे की ओर कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। और यहाँ पे जाकर के इस तरह ऐसे एक स्ट्रक्चर की बात लटका होता है। इस लटके हुए स्ट्रक्चर को आप तेजी से मुंह खोल करके देख सकते हैं, यहाँ लटकी होती है स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं व्यूला। इस तरह और माउथ कैविटी में टीथ एंड टंग नामक दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसको हम आगे साइड नोट के रूप में पढ़ा देंगे, आप यहाँ पे उसके ट्रैक के बारे में जानने का केवल जानने का प्रयास करेंगे। और माउथ कैविटी की दीवार में सेलेवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथियाँ होती हैं जो लार का फॉर्मेशन करती हैं। इसका अध्ययन हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत डिटेल करेंगे। अब आगे देखेंगे आप, ये सेकेंड पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन चैम्बर होता है। यहाँ पे इस तरफ से एयर आती है यहाँ पे, और इस तरफ से भोजन आता है। ये दोनों एक दूसरे को फेरिंग्स में क्रॉस करते हैं। ये इसोफेगस है और ये आगे का पार्ट, आगे की नली जो है ये ट्रेकिया है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ये इतना पार्ट लगभग 12.5 सेंटीमीटर लार्ज होता है। ये पार्ट होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का यहाँ का पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स जो नेजल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ का पार्ट होता है ओरोफेरिंग्स जो माउथ कैविटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, इसके बारे में बताया जाएगा। ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स मीन्स स्वर यंत्र। इसका देखिए आप, इसका जो ये प्रोजेक्शन या उभार होता है, इसे एडम्स एप्पल कहते हैं, टेटुआ कहते हैं। लैरिंग्स, लैरिंग्स के कारण इस पार्ट को लैरिंगो फेरिंग्स कहते हैं। इस प्रकार फेरिंग्स से हमने आपको तीन पार्ट बताया, नेजोफेरिंग्स जो नाक से जुड़ा हुआ है, ओरोफेरिंग्स जो बाहु से जुड़ा हुआ है, और जिसमें लैरिंग्स पाया जाता है इस पार्ट को कहते हैं लैरिंगो फेरिंग्स। इसके बाद का पार्ट है इसोफेगस। ये यहाँ की जो ये नली दिख रही है आपको, इसे हिंदी में बोलते हैं भोजन नली या ग्रास नाल, इसे कहते हैं इसोफेगस। इसोफेगस एक फूड ट्रैक का काम करता है जो इसकी लंबाई गर्दन की लंबाई पर निर्भर करती है,
गर्दन और सीने से होकर के ये एब्डोमेन में स्थित स्टमक में प्रवेश करता है। ये है स्टमक। चौथे नंबर पे आप देखें, ये पार्ट है स्टमक। स्टमक की दीवार में ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। यह एक हाईली मस्कुलाइज्ड ऑर्गन होता है, मींस इसमें बहुत सारी पेशियां पाई जाती हैं और इसकी दीवार में चर्निंग एंड पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट होती है, जिसे भोजन पीसकर लेई के समान बनाया जाता है। स्टमक में भोजन लगभग 2.5 घंटे से 4 घंटे तक या 5 घंटे तक रुकता है। इसके बाद का पार्ट जो बताया गया आपको कि इसके पार्ट का, इसके एलिमेंट्री केनाल का, ये आपको इंटीरियर पार्ट पढ़ाया गया। इसके बाद का स्टमक के मींस बाद का जो पार्ट होगा वो इंटेस्टाइन होगा। इंटेस्टाइन बताया गया आपको कि आगे का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसके पीछे का पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखेंगे यहाँ पे कि 3 पार्ट हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। यह है ग्रहणी, ये मध्यांत्र और ये शेषांत्र। इसी प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन में है सीकम, कोलन, रेक्टम। यह है अध्यांत्र, ये है बृहद आंत्र और यह है मलाशय। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या ये जो सी से स्ट्रक्चर दिखाई देता है यहाँ पे, इसे कहते हैं डियोडिनम। ये पार्ट है डियोडिनम। 3 पार्ट ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का और ये 3 पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। डियोडिनम के बाद यहाँ पे ये लगभग 6 मीटर 7 मीटर लंबी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। इसके जो इंटीरियर पार्ट होता है वो होता है जेजुनम। आगे का पार्ट ये है जेजुनम, ये पार्ट बताया गया सी से डियोडिनम। और पास्टेरियर पार्ट जो होता है ये होता है इलियम। डियोडिनम में जब डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे ग्लैंड होती है लीवर। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ाते समय डिटेल किया जाएगा। लीवर से बाइल जूस आता है और यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से पैनक्रियाडी जूस आता है और यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। इसके बाद जेजुनम और इलियम ये दोनों मिला के बताया गया आपको लगभग 7 मीटर या 6 मीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है। इसके दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, दोनों मस्कुलर होती हैं और ग्लैंडुलर होती हैं। ये मोर डाइजेस्टिव और लेस एब्जॉर्प्टिव होती है और ये जेजुनम मींस इलियम मोर एब्जॉर्प्टिव और लेस डाइजेस्टिव होती है। इसके बाद का पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट है सीकम। ये पार्ट होता है सीकम, यहाँ पे लिखा है सीकम अध्यांत्र। सीकम लगभग 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है और 5 सेंटीमीटर लार्ज होता है। सीकम के पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, इसे कहते हैं बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। यह अवशेषी अंग है, मीन्स वेस्टिजियल ऑर्गन है हम लोगों के शरीर में। इसका ह्यूमन के एडल्ट ह्यूमन में इसका कोई यूज नहीं होता है। अदर जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें ये सेलुलोज के पाचन के लिए हेल्प करता है। ये होता है बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसके बाद का ये जो पार्ट दिख रहा है
ये होता है कोलेन, मीन्स कोलेन मीन्स हिंदी क्या हुई, मध्यांग। ये बताया मैंने आपको, मध्यांत, शेषांत, आध्यांत, बृहदांत्र। बृहदांत्र ये होता है बृहद आंत्र, इतना पार्ट जो उल्टे यू के शेप का दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा इसमें गांठ जैसा दिखाई दे रहा है, ये उल्टे यू का आकार का जो होता है, ये होता है जो चारों ओर से एलिमेंट्री कैनाल को कवर किए हुए है, इसे कहते हैं कोलन। कोलन को भी अगर डिटेल करना आप चाहें तो ये कहलाएगा असेंडिंग कोलन, मीन्स ऊपर जाता हुआ, ये ट्रांसवर्स कोलन, और ये डिसेंडिंग कोलन, और ये एस का दिख रहा है, इसे कहते हैं सिग्मोइड कोलन। यहाँ पे गुजरते समय भोजन से जो जल की मात्रा होती है वो लगभग लगभग एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और इसके बाद ये पार्ट है रेक्टम। रेक्टम लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है, अपशिष्ट मीन्स पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो यहाँ आके कलेक्ट होता है, इसके बाद जीवधारी की मल त्याग की इच्छा होती है, और वो इस लास्ट ओपनिंग है ये होती है एनस। एनस से अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। इस प्रकार ये रहा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके आप बच्चों होमवर्क नोट करिए, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आप इसके भागों के नाम और फिगर को पूरा रेडी रखेंगे, अगले वीडियो में हम इसके बारे में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और टंग और टीथ के बारे में पढ़ाएंगे।